अच्छा एक बात बता भाई, जब यू सेड इन द वेरी स्टार्टिंग कि जब तुम तैयारी कर रहे थे, हाँ लग रहा था कि अब होगा कि नहीं होगा, बट विश्वास था कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पर उस जर्नी के बीच में लगता तो ना यार, रिकमेंड कैंडिडेट में ऐसा क्या होता होगा, क्या होता है उसमें? अब तो तुम बन गए हो। हाँ, ये तो बीच लगता था। हम लोग भी जैसे देखते थे कि अभी हम लोग गए SSB के लिए, तो उधर मेडिकल वाले कैंडिडेट्स बैठे हैं प्लस साइन के हाँ साथ, तो हाँ यार क्या है उनमें, अब तो क्या हाँ मतलब, अभी हम लोग भी कभी कभी पहनेंगे। जिनको आपने भी देखा वो है अथर्व तिवारी। अथर्व तिवारी NSB वाइजैक से रिकमेंड हुए हैं। और एक ऐसा इंसान सोच के देखिए जो पैरा कमांडोज को देखते हुए बड़ा हुआ हो, उसकी ज़िंदगी में क्या मकसद होगा। और इसी मकसद को उनको समझ में आया क्योंकि उनके खुद के फादर भी पैरा SF में हैं, और यहाँ से उनकी मोटिवेशन की कहानी शुरू हुई, या मैं कहूँ आर्मी ज्वाइन होने की कहानी शुरू हुई। और यहाँ पर इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट ऐसे आया कि वो इंडियन नेवी फाइनली ज्वाइन कर गए। अथर्व ने सपना तो देख लिया। अब अथर्व का ये सपना हुआ फोर्थ अटेम्प्ट में पूरा। फोर्थ अटेम्प्ट से पहले इनके स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट सब हो गए। मैंने इनसे फोन पे पूछा, अथर्व भाई एक बात बताओ यार, तुमने कोचिंग लेने का नहीं सोचा? भाई स्क्रीन आउट कॉन्फ्रेंस आउट बड़ी बात होती है यार, तुम सोचो ना, तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हें लगा नहीं यार मैं काम करता हूँ कोचिंग ले लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं यार, 15 दिन में ऐसा कौन सा जादू हो जाएगा वहां पर? हो सकता है रियलिटी चेक करने के लिए जा रहा हूँ तो बात अलग है, बट ऐसा कुछ चेंज नहीं होगा। उनकी बात बिल्कुल सही थी, और ऐसे ही सवाल मैं इनसे पूछता जा रहा था। और एक सवाल मेरे पास आ गया कि भाई आप INET एंट्री से रिकमेंड हुए हो, बड़े सीरियस एफकेट कैसे निकाल लिया तुमने? तो उन्होंने कहा कि भाई सारी एंट्रीज जो होती हैं रिटन स्पेशली, वो कहीं ना कहीं इंटरलिंक होती है अपनी तैयारी में। आपको बस समझना होता है कि कब कहां पर कितनी तैयारी करनी है। और एक बात और कि इमोशनल कंट्रोल लूज नहीं करना है। नॉर्मली लोग अपनी तैयारी में इमोशनल कंट्रोल लूज कर जाते हैं, मतलब फियर आ जाता है दिमाग में, जिसकी वजह से उनकी तैयारी सारी गड़बड़ हो जाती है। तैयारी सही कर रहे होते हैं पर घबराहट ऐसी हो जाती है कि उस पर कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए, और ऐसे ही मैं इनसे सवाल पूछता जा रहा था। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें कल मुलाकात करें रात 9 बजे। इनके बारे में आपको जो भी पूछना है या आपके मन में कोई भी सवाल है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। कहां पूछने में बता देता हूं, इस वीडियो में पूछने। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पर लिखा होगा अथर्व इंटरव्यू, वहां पर जाके क्लिक करें और जाके अपने सारे सवाल पूछे। कुछ भी पूछना है पूछो, दिस पैरा कमांडो सन विल बी देयर टू आंसर यू। एवरी क्वेश्चन विल बी आंसर इन डिटेल। मेक श्योर आस्क योर क्वेश्चन एंड गिव 101 लाइक्स बिफोर रिलीज। और 101 लाइक जब देंगे ना, तो हमारा मोराल बूस्ट जाता है। आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वालिटी कंटेंट में लाना चाहता हूँ, उसके लिए मेक श्योर करें कि बिफोर रिलीज 101 लाइक पहुंचाएं। वी आर वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन, वी आर वेटिंग फॉर योर लाइक्स, वी आर वेटिंग फॉर योर व्यूज। सो मिलते हैं कल रात 9 बजे। मैं उनको रोज देखता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है।